ये डी टू, ये डी थ्री, ये डी फोर, ये डी फाइव, ये डी सिक्स, ये डी सेवन, ये डी एट, ये डी नाइन, डी टेन और ये भी डी टेन और ये डी फाइव, फोर एस वन, वी नो दैट। वो एक्सेप्शन जैसे थोड़ा तुमको पता है। तो प्लस टू तो सभी के लिए लिखना है, प्लस टू तो सभी के लिए लिखना है। अब इसमें टू तो फोर एस टू की वजह से लिखा आपने सबके लिए, फोर एस टू तो सभी में होगा। इसमें इट विल बी, अगर ये इलेक्ट्रॉन भी निकालेंगे तो प्लस थ्री भी होगा, इसमें प्लस वन एक और इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो प्लस थ्री और फिर प्लस फोर हो जाएगा, मतलब दिस एंड दिस विल बी स्टेबल। इसमें बोथ आर स्टेबल, वेनेडियम विल बी प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव, इस ब्लॉक में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बिल्कुल। प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव प्लस सिक्स, प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव प्लस सिक्स प्लस सेवन, प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव प्लस सिक्स, छह वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उतना पर लिख सकते हैं इसमें। इसमें भी प्लस थ्री और प्लस फोर भी होता है, बट बहुत ज्यादा वैसे नहीं होता है। इसमें प्लस थ्री होता है, इसमें प्लस वन भी होता है, बस ये होता है। अब जो सबसे ज्यादा यूज होने वाले राइट ना ऑक्सीडेशन स्टेट है, इन सबके लिए क्रोमियम से लेकर स्कैंडियम से लेकर क्रोमियम तक दिस इज द मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ये ज्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है अप टू क्रोमियम। प्लस थ्री वाले ज्यादा स्टेबल होते हैं, मैंगनीज से लेके जिंक तक प्लस टू वाले ज्यादा स्टेबल होते हैं, ये तो इनके स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो एक जनरलाइज्ड फॉर्म बना लिया कि भाई स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन से होंगे, ठीक है। अब और भी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकते हैं कैसे, अब डी ब्लॉक में क्या होता ना, इट डिपेंड्स ऑन द कंपाउंडेड फॉर्म, मतलब इसमें पूरा केमिस्ट्री में चलता रहेगा जब तक आप डी ब्लॉक एलिमेंट पूरा नहीं पढ़ेंगे। तो इसमें अब जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं, अब क्रोमियम का इसका मतलब सभी का, एक तो फर्स्ट वाला जैसे ये प्लस टू वाला लिखा अपन ने तो वो तो फोर एस टू की वजह से, लेकिन स्कैंडियम से लेके क्रोमियम तक प्लस थ्री मोर स्टेबल है। उसके अलावा जो सबसे ज्यादा मतलब जैसे प्लस फोर हो गया, प्लस फाइव हो गया और प्लस सिक्स हो गया, ये तो स्टेबल होंगे ही होंगे सबसे ज्यादा वाला, ठीक है ना। अब इनमें क्या होता है कि जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होंगे वो सबसे ज्यादा वाले, इसका प्लस फोर, इसका प्लस फाइव, इसका प्लस सिक्स, इसका प्लस सेवन, ये भी स्टेबल होता है, मतलब थोड़ा याद होना चाहिए। ये मोस्ट स्टेबल है, फिर उसके बाद इनका भी स्टेबिलिटी होता है प्लस टू और प्लस थ्री, इनका उतना स्टेबिलिटी नहीं होता जितना इसका स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा और उसके बाद इनका स्टेबिलिटी, डिपेंड करता है किस ऑक्सीडेशन स्टेट में सबसे ज्यादा कंपाउंड बनाता है। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स जिस ऑक्सीडेशन स्टेट में सबसे ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं वो ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है, जैसे अपन ने लिखा ना कॉपर है। अब कॉपर तो भाई 4s1 और 3d10 है, तो अपन को लगेगा कि कॉपर का प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट है इसको हटाने की वजह से, और प्लस टू स्टेट है इसमें से एक और हटाएंगे, मतलब अगर प्लस वन लिखता हूं कॉपर प्लस वन इट बिकम 3d10, और कॉपर अगर प्लस टू लिखता हूं तो इट बिकम 3d9। अपन से पूछा गया बताओ कौन सा ज्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, अपन ने बताया ये ज्यादा स्टेबल, क्या करेंगे, अरे भाई इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट है। हाँ तो वही तो बोल रहा हूं कि डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में आप कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे उनका स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं बता सकते। स्टेबल ऑक्सीडेशन किस स्टेट कैसे बताया जाता है कि किस स्टेट में वो मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनाते हैं, वो उसका स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपाउंड कॉपर प्लस टू में बनाता है, ठीक है, फिर कॉपर का प्लस टू ज्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये जो मैंने आपको बताया ऐसे बना के इधर प्लस टू है और इधर ये प्लस थ्री है, ये आपके कंपाउंड के बेसिस पे बताए जो सारे केमिस्ट्री में कंपाउंड बनेंगे, बट कुछ तो जनरलाइज करना था कर लिए। उसके अलावा प्लस टू तो सभी का ही होगा ऑक्सीडेशन स्टेट, इधर प्लस थ्री, इधर भी प्लस टू होगा, इधर प्लस थ्री भी लिखा अपन ने, इधर प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है
इधर प्लस थ्री ज्यादा स्टेबल है, उधर प्लस टू ज्यादा स्टेबल है, राइट ना? तो अपन बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपके स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। एफ ब्लॉक अभी अपन को जरूरत नहीं है पढ़ने की, पी ब्लॉक अपन बता सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था तो भाई पी ब्लॉक है, तो पी ब्लॉक में अगर मान लो कोई मुझसे कहता है कि फास्फोरस है, एटॉमिक नंबर है 15, तो 3s2p3, दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। और वैलेंस शेल से ही हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन के ऑक्सीडेशन स्टेट बताने होते हैं। तो अपन कहेंगे फास्फोरस के लिए ये 3s है, ये 3p है, तो 3p में तीन इलेक्ट्रॉन्स हैं और दो इलेक्ट्रॉन इसमें, तो ये या तो तीन इलेक्ट्रॉन दे सकता है या तीन इलेक्ट्रॉन ले सकता है। अगर तीन इलेक्ट्रॉन लेगा तो -3 होगा, तीन इलेक्ट्रॉन देगा तो +3 होगा। और सिंस फास्फोरस है तो डी ऑर्बिटल भी होता है, और अगर डी ऑर्बिटल होगा तो एक अनपेड इलेक्ट्रॉन बनाऊंगा, तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? जब तीन थे तो आपने प्लस, तब आपने क्या लिखा? +3, क्योंकि तीन अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तीन इलेक्ट्रॉन दे सकता है किसी को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए किसी का। अगर पांच अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे तो फिर पांच बॉन्ड बनाएगा, तो 5 हो जाएगा। ये इसके ऑक्सीडेशन स्टेट है, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसके अलावा कोई और ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकते हैं फॉस्फोरस के? हाँ, -3 से +5 तक सारे लिखो, अलग अलग कंपाउंड बना दे। हो सकता है +4 किसी एक कंपाउंड में एग्जिस्ट करता हो, लेकिन स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेटस के ये होंगे ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से के बेसिस पे हम सिर्फ एस और पी का ही बता सकते हैं बस। अगर आपसे बाकी पूछा जाए कि मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn, बता देना भाई +3 बोला तो +2 विल बी द मोस्ट स्टेबल, देन +3, देन +7। बाकी और भी ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं, ये भी होता है उसका, ये भी होता है उसका, Mn के तो बहुत सारे ऑक्सीडेशन स्टेट है। और अगर मैक्सिमम स्टेबल पूछा कि मैक्सिमम स्टेबल बताओ, तो बता देंगे +2। मैंने बताया तो यहाँ से यहाँ +2 वाले ज्यादा स्टेबल होते हैं, यहाँ से यहाँ +3 वाले ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो अपन ऐसे बता सकते हैं इसमें Cu1, Y2, Y4S, 4S1, हाँ तो बताया ना मैंने कि +4S1 क्या है। Given the C, most stable state is +1, what is wrong? That is wrong. अब ऐसा पॉसिबल नहीं है कि +2 वाला कम स्टेबल है कि +1 वाला ज्यादा गिवन है, +2 वाला ही होगा कॉपर में। आई डोंट नो मतलब तुमने क्या देखा, ठीक है। वॉट इफ वी आर आस्क्ड मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn +2, दैट इज। अब अगर किसी को कुछ पूछना है तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने आपको बता दिया कि कैसे बताते हैं, बट दिस इज हाउ वी कैन। सर रिनॉल्ड्स का इफेक्ट समझाए ना, पहले अपने डाउट पूछ लो उसके बाद, क्योंकि मैंने ये डाउट क्लास लगाया है, मैंने बिल्कुल समझाने के लिए नहीं लगाया ये। अब आप ये बता दो कि अपन कल सी सेक्शन किए थे एक्सरसाइज 1 का पार्ट 2 का, आज डी सेक्शन पूछना है आप लोगों को, तो आप लोग डी सेक्शन पूछ लीजिए, उसके बाद फिर तुम्हारे जो डाउट्स होंगे वो बता दूंगा, है ना? इंडिविजुअल जिसके भी डाउट होंगे वो सारे बताता रहूंगा मैं, बट पहले अपन कॉमन डाउट कर लेते हैं। अब बताओ डी वाले में किसी को कोई डाउट है तो अपन देखते हैं भाई, ठीक है। तो विल राइट दैट D2, E2, E3 और E4, ठीक है मैं बता देता हूं। पहले D2 कर लेते हैं अपन, E2, E3, E4, ठीक है मैं ये बता देता हूं पहले, है E3, E4 तक। D5 भी बता दूंगा, कोई बात नहीं, तो D5 भी बताऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले अपन D2 चेक कर लेते हैं, अपन को एलिमेंट गिवन है और अपन को एटॉमिक रेडियस गिवन है, ठीक है। तो बर्लियम से कार्बन, ऑक्सीजन, बोरॉन और नाइट्रोजन, हाँ तो ठीक है ना, सब एक ही पीरियड से है तो फिर क्या प्रॉब्लम है अपन को? बर्लियम है
कार्बन है तो बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन ये के बने अपन को, और इसमें अपन को बताना है कि भाई सबसे छोटा साइज किसका होगा, बता देंगे अपन, कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट ना, सारे बताऊंगा चिंता मत करो, मैंने देख लिया क्या क्या बताना है मुझे। तो अपन क्या करेंगे, इन सब में सबसे छोटा साइज किसका होगा, तो अपन कहेंगे बेरिलियम को बड़ा साइज होना चाहिए, तो अपन कहेंगे भाई बेरिलियम के बाद फिर बोरॉन होना चाहिए उससे छोटा, तो अपन को वन के लिए आर चूज कर लेते हैं, मतलब ए और सी में से कोई एक आंसर है, और टू के लिए मतलब कार्बन है तो फिर बोरॉन, बोरॉन के लिए होना चाहिए, मतलब फोर के लिए होना चाहिए बोरॉन के लिए उससे छोटा, मतलब 88, तो बोरॉन के लिए 88 का मतलब है फोर्थ के लिए क्यू होना चाहिए, तो फोर्थ के लिए क्यू मेरे ख्याल से एक ही ऑप्शन है अपने पास और वो ऑप्शन सी है अपना। तो इसमें सेकंड दैट इज कार्बन, उसके लिए थ्री हो जाएगा, बिल्कुल उसमें थ्री हो जाएगा, और है तो उसमें बोरॉन, ये ऐसे लिख के अपन बता देते ना, साइज यहां से यहां डिक्रीज होता है क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पड़ता है, तो भी नहीं होता, तो साइज आप ऐसे लिख लो, उन्होंने रैंडम लिख दिया इसलिए तुम डर गए उसमें। D5 में गिवन है बिल्कुल, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर एटॉमिक और आयनिक रेडियस इज नॉट करेक्ट, कौन सा करेक्ट नहीं है, तो अपन कहेंगे आई बी आर, तो पहला वाला तो करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है अपन को, और अपन कहेंगे लिथियम बेरिलियम बोरोन, डी वाला भी, फोर्थ वाला भी करेक्ट है, ये तो अपन को पता है ऐसे, ये वाला भी करेक्ट है, अब नेबियम एंड टेंटलम दे आर ऑलमोस्ट इक्वल, ये भी करेक्ट है, ये तो अपन ने पढ़ा हुआ है, तो इटरबियम स्ट्रॉन्शियम एंड रुबिडियम ये गलत होना चाहिए, भाई जिस पे जितना चार्ज होगा उसको छोटा भी तो उतना होना चाहिए, भाई जैसे अपन लिखते ना कि भाई सोडियम का अगर प्लस वन चार्ज है तो ऑब्वियस सी बात है इसका साइज बड़ा होगा, मान लीजिए इसका साइज बड़ा होगा ए थ्री प्लस, अगर किसी पे चार्ज ज्यादा है तो साइज भी छोटा होगा, भाई जितना ज्यादा आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे उतना छोटा साइज होता जाएगा, D3 वाले में फ्लोरीन और नियॉन का अपन से एटॉमिक रेडियस पूछा है, उसमें क्या है फ्लोरीन और नियॉन पूछा है, नियॉन में तो वन डबल रेडियस होगा तो उसका तो बड़ा ही साइज होगा, बता दो किसमें एक मतलब नियॉन का बड़ा, तो पहला वाला छोटा दूसरा वाला बड़ा, तो पहला वाला छोटा दूसरा वाला बड़ा, ये आंसर होगा D3 में। फिर उसके बाद ई सेक्शन की बात करते हैं, ई सेक्शन में अगर अपन बात करेंगे तो विल राइट लाइक दिस, आयनाइजेशन एनर्जी वाली बात है, ठीक है अपन ई सेक्शन में E2 की बात करते हैं पहले हैं। अब E2 में अपन को गिवन है द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इज, पढ़ा तो अपन ने साफ साफ पढ़ा हुआ है तो क्लास में, आप तो कॉपी में ही देख लेते हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, भाई इसके लिए P3 है इसके लिए P4 है, तो बताओ किससे इलेक्ट्रॉन निकालना ईजी होगा, ऑक्सीजन से, क्योंकि ये तो हाफ फिल्ड है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, इससे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा इसके कंपैरिजन में, एंड दे आर नेबर्स, आयनाइजेशन एनर्जी में अपन ने लिखा था ना एक पार्ट कि नेबर्स में ऑर्डर चेंज हो जाएगा, वो तो अपन ने क्लास में लिखा हुआ फर्स्ट आयनाइजेशन, सेकंड भी लिखा था अपन ने, तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसका ज्यादा होगा, नाइट्रोजन का ज्यादा होगा, तो देख लेते हैं भाई सारे नंबर दो ही न्यूमेरिकल से बने हुए, तो चलो जिसमें पहले वाले में जिसमें नाइट्रोजन है के लिए ज्यादा नंबर होगा, मतलब आंसर अपना क्या हो जाएगा, ए वाला ही हो जाएगा, वेरिएबल टोटल। फिर E3 हो गया अपने लिए, E3 में क्या लिखेंगे अपन, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, हाँ तो ये फिर अपन ने क्लास में पढ़ा हुआ भाई, आपको पता है सोडियम दैट इज सोडियम के बाद मैग्नीशियम एल्युमिनियम एंड सिलिकॉन, तो अपन ने पढ़ा हुआ है ना, ये 3s1 है, ये 3s2 है, ये 3s2 और p1 है, और ये 3s2 p2 है, तो सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी इसका होगा, ये दोनों नेबर्स है, ये कंप्लीटली फिल्ड है ये नहीं है, तो फिर इसका होगा, उसके बाद इन दोनों में से इसका होगा, उसके बाद इसका होगा, लो भाई ऑर्डर हो गया, मतलब सिलिकॉन का ज्यादा होगा इससे, मैग्नीशियम से ज्यादा होगा, एल्युमिनियम से ज्यादा होगा सोडियम, ये लो, तो क्लास में डिस्कस किए थे, E3 के बाद आपने E4 लिखा हुआ, फिर वही बात आप क्लास में देखो ना, ये तो पॉइंट नंबर 1 ही था अपना जो मैंने आपको बताया कि सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी ऑलवेज इंक्रीजेस,
मुझे अल्कली मेटल के लिए आयनाइजेशन एनर्जी बताना है तो फर्स्ट और सेकंड में बहुत ज्यादा डिफरेंस होना चाहिए, क्वाइट एज सो, बिकॉज अल्कली मेटल में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा. अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन आपको रिमूव करना है तो आपको कहां से निकालना पड़ेगा, अंदर वाले शेल से निकालना पड़ेगा, और जो पॉसिबल नहीं. तो अल्कली मेटल में क्या होता है, इसको निकालने के बाद इलेक्ट्रॉन आपको इनर शेल से इलेक्ट्रॉन नहीं निकालते. अगर निकालोगे तो आपको इस आयनाइजेशन एनर्जी के कंपैरिजन में 4 to 5 times एनर्जी लग जाएगा. तो चलो देखते हैं किसमें ज्यादा डिफरेंस है. पहले वाले में 500 और 1000 ऑलमोस्ट डबल है, ये नहीं हो सकता. 600 एंड 2000 ये 3 times से ज्यादा, ये हो सकता है. 550 एंड 7500 यही आंसर होना चाहिए. तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है, और डी वाले में जस्ट डबल का डिफरेंस है. आंसर में टिक कर दूंगा, हो गया. तो आंसर विल बी फोर्थ का सी हो जाएगा. अब आपने पूछा है दैट इज राइट एफ टू. तो F2 में अपन से पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विच इज लीस्ट नेगेटिव. ओके, सो मुझे मोस्ट नेगेटिव का मतलब डेल्टा एच नेगेटिव का वैल्यू सबसे कम वैल्यू होना चाहिए, मतलब नेगेटिव साइन के साथ पूछ रहा है. तो बताओ किसका होता, क्लोरीन का, जिसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा होगा. क्लोरीन है क्या इसमें, हाँ है ना, और मोस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, और दूसरा पोस्टर पूछ रहा है लीस्ट नेगेटिव. लीस्ट नेगेटिव मतलब किसका सबसे ज्यादा, मतलब मोस्ट नेगेटिव का मतलब है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा, और इसमें लीस्ट नेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे कम. तो देख लेते हैं भाई, सबसे ज्यादा क्लोरीन और सबसे कम इनमें किसका होगा, सल्फर क्लोरीन फॉस्फोरस. सबसे कम इलेक्ट्रॉन नेगेटिव कौन है, फॉस्फोरस है ना, सबसे कम यही होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इलेक्ट्रो पॉजिटिव अगर ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो जाएगी. राइट, फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो जाएगी अगर. तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव कौन है इनमें, क्लोरीन, उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा होती है. पढ़ा तो है बनने क्लास में भाई, अगर क्लोरीन गिवन है तो उसके लिए तो 350 पढ़ा था ना बनने, तो वी हैव डन दैट, यू नो दैट. अब बताओ This is F2. F2 के अलावा कोई और है, F2 के अलावा कोई और डाउट है एक्सरसाइज वन में. कोई डाउट नहीं, F4 बिल्कुल बताता हूं मैं, कोई बात नहीं. अपन F4 को भी देख लेंगे अपन. अब बताओ F4 ना, F4 में मुझे गिवन है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फोर एलिमेंट्स आर गिवन. ठीक है भाई, अब मैं इसको कैसे अटेम्प्ट करूंगा वो देखते हैं अपन. है फर्स्ट वाला, इट इज 1s2 2s2 p6 इनर्ट गैस, क्वाइट इज सो, p ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल. ठीक, सेकंड वाला इट इज p4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ व्हाट, ऑक्सीजन. तो फर्स्ट वाला P6 था नियॉन गैस, सेकंड वाला ऑक्सीजन है, थर्ड वाला 3s1 दैट इज पोटेशियम है, बिकॉज नो इट इज सोडियम, और फोर्थ वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन P5 है ना, इट्स क्लोरीन. ये लो, अब अपने पास सारे एलिमेंट मुझे पता चल गए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से. क्या पूछना चाहता है ये, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा किसका होगा, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव फ्लोरीन, और सबसे इलेक्ट्रॉन कौन गेन नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता. तो इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा लिखो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. सो द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, सबसे ज्यादा फ्लोरीन, उसके बाद फिर ऑक्सीजन, उसके बाद फिर ये, और उसके बाद ये तो इलेक्ट्रॉन लेता ही नहीं है, इसके लिए तो डेल्टा एच आपने पॉजिटिव बताया.
अब बताइए सेक्शन जी, मैच द फॉलोइंग में कोई डाउट है? अपन को मैच द फॉलोइंग भी गिवन है, कोई डाउट है मैच द फॉलोइंग में? कोई डाउट नहीं। एक्सरसाइज टू का पार्ट वन, एक्सरसाइज टू का पार्ट वन, कोई डाउट है तो बता सकते हो। एक्सरसाइज टू का पार्ट वन, एक्सरसाइज टू का पार्ट वन, उसमें जी थ्री नहीं है, लेकिन जी थ्री मुझे लगता है वो उसने वहां से पूछा होगा। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑन द पॉलिंग स्केल, मेरे ख्याल से मैंने सारे ही बता रखे थे आपको, बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, क्लोरीन राइट ना, यहां पर एल्यूमिनियम फॉस्फोर दैट इज सिलिकॉन फॉस्फोरस सल्फर, ये फोर बता रखा है पॉलिंग स्केल पे, ये थ्री बता रखा है पॉलिंग स्केल पे, ये 3.5 बता रखा है पॉलिंग स्केल पे राइट, ये 2.8 के आसपास बता रखा है, ये 2.4 बता रखा है, इट इज नियरली 2, दिस इज 2.4, दिस इज आल्सो, दिस इज 2.1, दिस इज 1.85 ऐसे, तो लाइक दैट। तो मेरे ख्याल से जो गिवन है अपन को, इसमें क्या गिवन है अपन को, फॉलिंग करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाँ तो ठीक है, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव मेटल नॉन मेटल कैरेक्टर होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, हो गया नहीं, वैल्यूज है ना, यहां से यहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यूज क्या होगा, बढ़ेगा, टॉप टू बॉटम कम होगा। नाइट्रोजन एंड क्लोरीन दे आर सेम, बस इतना याद रखो कि नाइट्रोजन और क्लोरीन का सेम होता है, बाकी यहां से यहां बढ़ेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, टॉप टू बॉटम डिक्रीज होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नोइंग द ऑर्डर इज इनफ फॉर अस, वैल्यूज आर नॉट रिक्वायर्ड, मैं तो वैल्यूज इसलिए लिखता हूं, कुछ स्टूडेंट होते हैं जो बहुत ज्यादा दिमाग नहीं चलाते लेकिन उनकी मेमोरी पावर बहुत जबरदस्त होती है एंड दे आर मोर सक्सेसफुल, क्योंकि वो कहते हैं ठीक है सर आप बता दो हम याद रख लेंगे, कोई प्रॉब्लम। अब बताओ दूसरा, आई थिंक डी टू डी थ्री तो अभी बताया ना मैंने, हाँ ये वाला डी टू डी थ्री तो मैंने बता दिया। एक्सरसाइज टू, एक्सरसाइज टू का पार्ट वन, कोई डाउट है तो बोलो। एक्सरसाइज टू का पार्ट वन, कोई डाउट है तो बोलो। एक्सरसाइज टू का पार्ट वन, कोई डाउट है तो बोलो। सिक्सटीन वाला, ठीक है, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ इनकरेक्ट स्टेटमेंट 16th वाले में, द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन केस ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर डिपेंड करेगा, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है तो मैंने आपको बताया था, एसपी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन एसपी टू इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन एसपी थ्री, जितना ज्यादा पी ऑर्बिटल का कैरेक्टर होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसमें 50% एस है, 50% पी है, ये टोटल 100% हो गया, 1+3 is 100, सो ये 50% हो गया, मतलब इसको अपन ऐसे कर लेते हैं 3 हो गए टोटल, तो 1/3 1/3 1/3 कर लेते हैं, तो दिस इज 33% एस, दिस इज 25% एस, तो मोर द परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर मोर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सो 16 वाले में द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन केस ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इज एसपी का ज्यादा होगा, बिल्कुल सही है, एसपी टू से, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, अब इनको इनकरेक्ट बताना है। अल्कली मेटल जनरली हैव नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जनरली ना, हाँ ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि पॉजिटिव किसका होता है अपन को पता है ना, नोबल गैसेस अल्कलाइन अर्थ मेटल एंड नाइट्रोजन, सो दैट्स करेक्ट। सीजियम प्लस रिलीजेस मोर एनर्जी अपॉन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन देन सीएल प्लस, ये भी सही हो सकता है, क्यों, बिकॉज सीएल प्लस जो है सीएल गैसियस स्टेट में अगर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इट इज डेल्टा एच इज नेगेटिव नो डाउट, और सीजियम प्लस है तो इलेक्ट्रॉन तो गेन करेगा,
क्योंकि जितना आयनाइजेशन एनर्जी ना अपन कहेंगे भाई जितना ना जैसे सीजियम गैसियस स्टेट में है, अगर इसको मैं सीजियम प्लस आयन में कन्वर्ट करता हूं और यहां पर डेल्टा एच इज इक्वल टू प्लस एक्स वन किलो जूल्स, तो इसमें जो एनर्जी लिबरेट होगा ना वापस इलेक्ट्रॉन ऐड करने से, तो इसमें एक्स वन किलो जूल्स ही एनर्जी रिलीज हो जाएगी, इसलिए इट इज एक्सोथर्मिक फिनोमेना। इसके बारे में जब तक वैल्यूज पता नहीं होंगे बताना थोड़ा मुश्किल है। पहले अपन क्वेश्चन फोर्थ वाला ऑप्शन पढ़ते हैं फिर थर्ड वाले पे वापस आएंगे, मतलब इट इज पॉसिबल भी हो सकता है। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज ऑफ 2p सीरीज एलिमेंट्स, मतलब 2p सीरीज मतलब जैसे 2p1 2p2 2p3 2p4 2p5 2p6 ऐसे, तो जैसे 2p1 है तो बोरॉन हो गया, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन ये बता रहे हैं फ्लोरीन ऐसे। सो द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज ऑफ 2p सीरीज ऑफ एलिमेंट इज लेस देन दैट ऑफ 3p सीरीज ऑफ एलिमेंट, इट्स रॉन्ग। 3p सीरीज में तो आप फिर एल्यूमिनियम की बात कर रहे हो, सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर क्लोरीन ये तो बिल्कुल गलत है, इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है, दे आर दोन मोर नॉन मेटालिक। सो एलिमेंट्स ऑन अकाउंट ऑफ स्मॉल साइज एंड हायर, इट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिखा है ना, नो इट इज जो आप बता रहे हो ये इलेक्ट्रॉन गेन उसके लिए होता है, किसके लिए, इलेक्ट्रॉन गेन इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के लिए, बट यू आर टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो अभी वैल्यूज लिख के बताया आपने, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज ज्यादा होती है इससे, तो द डी वन इज रॉन्ग, डी तो एब्सोल्युटली रॉन्ग है, ये तो होना ही नहीं चाहिए। अब बताओ एनीथिंग एल्स, एक्सरसाइज टू का पार्ट टू डबल इंटीजर टाइप, किसी को डाउट है क्या? मैंने आपको पूरा पीरियडिक टेबल होमवर्क दिया था, कल हम इसलिए डिस्कस नहीं कर पाए बिकॉज कल अपने पास टाइम कम था, आज अपने पास टाइम है, मैंने अपना कोई दूसरा क्लास कैंसिल किया है तुम्हारे डाउट क्लास के लिए, ठीक है। तो आई विल से दैट पार्ट टू का ना जो पूछा है 6, 12 and 13 दैट इज ऑफ पार्ट टू ना, अच्छा ठीक है, 6, 12 and 13 ऑफ पार्ट टू, ओके उसमें 7 भी है, 6, 7, 12, 13 मैं अभी बताता हूं। सो 15 भी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं 15 भी कर दूंगा, पहले 6 चेक कर लेते हैं, पर 15 वाला क्वेश्चन भी कर दूंगा, 6 से शुरू कर देते हैं अपन, है 6 वाले में Which of the following compounds are found to exist? ठीक, sixth वाले में हमें कैसे पता चलेगा कौन exist करेगा? देखो भाई, bismuth का plus three oxidation state ज्यादा stable होता है bismuth plus five से, due to inert pair effect. ठीक है, अब एक मिनट, किसी ने अपन से इनर्ट पेयर इफेक्ट भी पूछा था, उसको वो एक्सप्लेन कर देते हैं, है? तो अपना वो काम भी हो जाएगा। इनर्ट पेयर इफेक्ट का मतलब होता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट इट एग्जिस्ट, मैंने आपको पहले बताया इट एग्जिस्ट इन लास्ट एलिमेंट ऑफ ग्रुप 13, 14 एंड 15, और लास्ट एलिमेंट कौन कौन से थे? टीएल था, पीबी था और बिस्मथ था, वो सिर्फ इन्हीं में एग्जिस्ट करता है, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन को पता है, इसमें था 6s2p1, दिस इज 6s2p2, दिस इज 6s2 एंड p3, तो इसमें अपन क्या बताएंगे कि जो ये वाला 6s2 वाला इलेक्ट्रॉन है ना, डू नॉट टेक पार्ट इन बॉन्डिंग, टेक पार्ट, है ना, ये क्या लिखा हुआ, डू नॉट टेक पार्ट इन बॉन्डिंग, टेक पार्ट इन बॉन्डिंग का मतलब हो गया कि केमिकल रिएक्शन,
इन बॉन्ड फॉर्मेशन। ये बॉन्ड फॉर्मेशन में नहीं आता है भाई, ये बॉन्ड फॉर्मेशन में टेक पार्ट नहीं करेगा। अगर बॉन्ड फॉर्मेशन में टेक पार्ट नहीं करेगा तो इनर्ट होगी, कॉल्ड इनर्ट इलेक्ट्रॉन्स, इनर्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अपन ने क्या बोल देते हैं, इनर्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये होता है इनर्ट पेयर। तो कभी ये बॉन्डिंग में नहीं हो सकते इन्वॉल्व, हो सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इजीली नहीं होते। तो फिर तभी तो अपन बताते हैं कि टीएल का प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट, सिर्फ इसको निकालना ज्यादा इजी है। तो टीएल का प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होता है टीएल के तीनों इलेक्ट्रॉन निकालने वाले ऑक्सीडेशन स्टेट से। जैसे बिस्मत का प्लस थ्री ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू ऑल फाइव इलेक्ट्रॉन निकालने से अच्छा होगा। तो ऑल फाइव इलेक्ट्रॉन कभी नहीं निकल सकते, निकल सकते हैं अगर वो बहुत स्टेबल कंपाउंड बना रहे हो। मतलब जितना एनर्जी मुझे पांच इलेक्ट्रॉन को अनपेड बनाने के लिए यूज करना पड़ा उससे ज्यादा एनर्जी लिबरेट हो जाए तो हमें कैसे पता चलेगा कि ऐसा कब होगा। तो ऐसा हमें तब पता चलेगा जब आप हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के या तो फ्लोराइड्स बनाओ या फिर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का आप ऑक्साइड्स बनाओ, तभी यह पॉसिबल है। क्योंकि ऑक्साइड और क्लोराइड दोनों के ही छोटे बॉन्ड बनते हैं और बॉन्ड जितना छोटा होगा बनेगा, जितना छोटा बॉन्ड बनेगा उतना ज्यादा एनर्जी रिलीज होता है। तो ये जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है ना इनके, इसका प्लस थ्री, इसका प्लस फोर और इसका प्लस फाइव, वो सिर्फ फ्लोराइड्स और ऑक्साइड्स में ही देखने मिलेगा बस। अगर वो बनाओगे तो बोल दूंगा कि एग्जिस्ट करेगा, नहीं तो मना कर दो। फ्लोराइड और ऑक्साइड बनेंगे नहीं तो नहीं बनेंगे इनके, ठीक है। तो फ्लोराइड और ऑक्साइड को अपन क्या करेंगे बता देंगे, ठीक है। तो चलो फिर चेक करते हैं अपन। तो अब फ्लोराइड और ऑक्साइड के अलावा कोई दूसरा कंपाउंड बनेगा तो अपन मना कर देंगे कि भाई फिर नहीं बनाऊंगा, जैसे क्लोराइड हो गया, इस टाइप के नहीं बनाने वाले अपन, ठीक है ना, वो नहीं बनाने वाले अपन। तो अपन क्या करेंगे, अच्छा ठीक है, तो इनके ऑक्साइड और फ्लोराइड ही बनाने हैं, बाकी नहीं बनाने हैं। क्यों, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है, सिर्फ फ्लोराइड और ऑक्साइड ही बताने हैं, बाकी केस में वो अनस्टेबल होगा। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में तो सारे ही बताऊंगा, ठीक है। टीएल आई थ्री, अब अपन को बताना था इसमें सिक्स वाला BIF3, TLI3, PbO2 ऑक्साइड है, SnCl2 बनेगा, TL2O3 बनेगा, PbI4 नहीं बनेगा, हाइड्रोजन नहीं बनेगा, सिर्फ फ्लोराइड बनेगा, Pb का प्लस 4, PbI4 नहीं बनेगा, As2O3 बनेगा। वो तो सर, हम तो सिर्फ इनकी बात कर रहे हैं, बाकी तो वैलेंसी चेक करके चेक कर लूंगा ना कि भाई जैसे आर्सेनिक है बनेगा ना, क्या प्रॉब्लम है, वो उसमें नट पे इफेक्ट थोड़ी होता है। आर्सेनिक मतलब बिस्मत वाले ग्रुप में, तो आर्सेनिक का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, प्लस थ्री प्लस फाइव दो नहीं होंगे, तो प्लस थ्री ऑक्सीजन माइनस टू होता है, तो As2O3 बन एग्जिस्ट करेगा ना, इधर इसको लिखो करेंगे। अब एक और बात होता है, वो धीरे धीरे वो कंपाउंड जैसे ना, क्योंकि शीट में लिख देते हैं, क्योंकि काफी चीजें बना, उनको लगता है चलो स्टूडेंट तो याद रख लेंगे, स्टूडेंट को क्या है, तो वो उनको लगता है कि सारा का सारा स्टूडेंट याद रखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें थोड़ी याद रखना है, स्टूडेंट को याद रखना है। लेकिन मुझे लगता है कि सारा का सारा एक साथ मतलब नहीं बताना चाहिए स्टूडेंट को, भाई उसके पास दो साल है, उसे डराओ मत। टीएल के लिए अगर प्लस वन है तो मुझे इसको एग्जिस्ट करना बताना चाहिए, जैसे कि यह एग्जिस्ट करता है प्लस वन एंड माइनस वन। पोटेशियम रुबिडियम सीजियम का टेंडेंसी होता है कि वो के आई जो है ना आई टू से भी रिएक्ट करता है, के आई आई टू से रिएक्ट करके बनाता है के आई थ्री। अपन ने इसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी कैलकुलेट किया क्लास में, ठीक है। तो अपन ने क्या किया, ये प्लस वन होता है और ये माइनस वन होता है, मतलब आई थ्री माइनस वन एग्जिस्ट करता है, और जब अपन इसको ऐसे लिखते हैं तो ये ऐसे भी बना सकता है TL I3 माइनस वन और ये प्लस वन, क्योंकि I जो होता है वो ऐसे भी एग्जिस्ट करता है,
बट ऐसे नहीं लिख सकते हो, नहीं नहीं अच्छा फिर तो आई फोर भी लिख देते हैं, टू नेगेटिव है, नहीं नहीं ट्राई आयोडाइड ऐसे बना लेता है आयोडीन। तो वैसे तो आयोडीन को ऐसे बताना चाहिए था हमको, लेकिन TLI3 भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन इसमें बिल्कुल वैसे ही इसका प्लस वन ज्यादा स्टेबल है और I3 माइनस वन से एग्जिस्ट करता है, बिल्कुल ऐसे जैसे मैंने आपको बताया कि KI3 एग्जिस्ट करता है, इसलिए वो एग्जिस्ट करेगा, राइट ना। लेकिन ये तभी, और ये इस टाइप से आप क्या करना, TL के लिए बताना, पोटेशियम के लिए बताना, रुबिडियम के लिए बताना और सीजियम के लिए, बस सोडियम के लिए भी नहीं बताना, सोडियम का साइज छोटा है वो भी नहीं पढ़ सकता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवेंथ वन। सेवेंथ वन में अपन को गिवन है लैंथेनाइड्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स बाय द यूनिफॉर्म ऑक्सीडेशन स्टेट दैट इज शोन बाय लैंथेनाइड्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन। लैंथेनाइड्स के सारे के सारे ऑलमोस्ट प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ऑल लैंथेनाइड्स। इट कैन ऑल्सो शो प्लस फोर। अब बहुत सारा पार्ट ऐसे भी होता ना कि भाई बच्चों को डराओ मत, मेरा मतलब यह है आप शीट में इंफॉर्मेशन देते नहीं हो लेकिन बाकी जगह आप क्वेश्चन सारे पूछते हो, तो वो उसमें ये रहता है कि भाई अच्छा बच्चा मतलब ठीक है मैं क्लास में ये बता दूंगा आपको, लेकिन अब आपको क्वेश्चन मिलेगा आपको लगेगा अच्छा शीट में तो गिवन नहीं है आप बताया जा रहे हो। तो मुझे लगता है कि थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे ही बच्चों को बताना चाहिए, बहुत जल्दी एकदम बताओगे तो उनको लगेगा अच्छा इतना सारा है ये भी मत पढ़। क्वेश्चन नंबर 12 भी पूछा है किसी ने, पर 12 की बात कर लेते हैं भाई। अब ये ना आयनाइजेशन एनर्जी पूछा है अपन से, डिफरेंस इन द एटॉमिक नंबर एंड द, अच्छा ठीक है अपन पहले चेक कर लेते हैं कि क्या है। आयनाइजेशन एनर्जी 1 वेर ए बी सी डी आर एलिमेंट ऑफ थर्ड पीरियड, चले इफ द डिफरेंस बिटवीन द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट बी, बी इज बेरिलियम है ना, बेरिलियम नहीं मैग्नीशियम, एंड ई इज एक्स, ई इज व्हाट, हाँ तो लिख लेंगे ना अपन, क्योंकि जो आप बता रहे हो मुझे कम था बहुत ज्यादा बढ़ गया फिर कम है फिर थोड़ा बढ़ा फिर बहुत ज्यादा बढ़ गया, इसका मतलब आपने थर्ड ग्रुप थर्ड पीरियड एलिमेंट में क्या आता है, सोडियम से शुरू कर लो, सोडियम मैग्नीशियम फिर क्या हो जाएगा एल्युमिनियम, उसके बाद यहां पर आया होगा क्या एल्युमिनियम के बाद सिलिकॉन और सिलिकॉन के बाद फास्फोरस। हाँ तो आप इसलिए ऐसे कर रहे हो यहां पर कि ये S1 है और ये S2 है फुली फिल्ड, इसलिए बहुत ज्यादा बढ़ा, ये फुली फिल्ड से नहीं निकालना पार्शियली फिल्ड से, ये भी पार्शियली फिल्ड से ही निकालना है, लेकिन ये हाफ फिल्ड हो गया फास्फोरस, फास्फोरस क्या हो जाएगा 3s2p3 हो जाएगा ये वाला एलिमेंट जिसको आपने ई लिख रखा है एंड दैट इज फास्फोरस है, और उसके बाद क्या आपने फास्फोरस के बाद सल्फर लिखा, अब नॉन मेटेलिक आ गया ना, और सल्फर के बाद आप क्या लिखोगे क्लोरीन और फिर लिखोगे नियॉन, ठीक है भाई हमें क्या फर्क पड़ेगा, तो ये सल्फर क्लोरीन और फिर उसके बाद आर्गन आ जाएगा, चलो ठीक। आपने क्या पूछा है मुझे, इफ द डिफरेंस बिटवीन द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट बी एंड ई, भाई बी क्या था अपना मैग्नीशियम मतलब एटॉमिक नंबर इज 12 और ई क्या था अपना फास्फोरस मतलब ये था 15, ठीक है भाई इज एक्स, तो इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो एक्स, वो 3 हो गया एक्स, तो भाई एफ ब्लॉक से ज्यादा नहीं पढ़ना टेस्ट के लिए है बिल्कुल, तो is x and the difference between the atomic number of c and f, c kya tha bhai, c is this aluminium and f is what sulfur, theek hai bhai matlab aap mujhse 13 aur 16 ka sulfur puch rahe ho, theek hai ho gaya, is c and f is y then the value of x minus y is, dekh lo bhai kya karna hai apko, ye 3 minus 3 ho gaya 0 hi ho jayega answer, उसके बाद पूछा है क्वेश्चन नंबर 13 में बता देता हूं अपन को ना वैल्यूज गिवन है E1 E2 E3 आयनाइजेशन एनर्जीज और सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी ऑलवेज इंक्रीजेस, आप देखो 1 2 ज्यादा डिफरेंस नहीं है लेकिन 2 और 3 में बहुत डिफरेंस है,
इसका मतलब है इस एलिमेंट के दो ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, क्योंकि जब बहुत ज्यादा डिफरेंस आता है इसका मतलब है आपने क्या किया होगा कि ये एलिमेंट ऐसे रहा होगा, इसके दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहे होंगे, इसको निकाला आपने फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, इसको निकाला आपने सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। अब अगर अंदर वाले सेल से इलेक्ट्रॉन निकालोगे तब तो बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो वो वैल्यूज देख के मैं ये बता सकता हूं कि ये अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल होना चाहिए। प्रेडिक्ट द ग्रुप नंबर एंड द मॉडर्न पीरियड टेबल 12th वन, वी नो दैट। सेकेंड ग्रुप हो क्या, 14th वाला नहीं पूछा, और कोई 12th वाला भी पूछा है किसी ने, तो मैंने बता दिया था 12th वाला, और 14th भी पूछा है। 14th में अपन को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी गिवन है, बोथ आर पॉजिटिव वैल्यूज है। आपने इलेक्ट्रॉन, इसको एक इलेक्ट्रॉन निकाला आपने, तो ठीक है भाई अपन को ये गिवन है। ये कह रहे हैं अपन से कि हमारे पास ये गिवन है, मेरे पास एक एलिमेंट है ए नेगेटिव, इससे मैंने ए टू पॉजिटिव बनाया, ठीक है भाई बनाओ। डेल्टा एच कितना, 1100 किलो जूल्स। दोनों में यूनिट सेम है, यूनिट सेम है तो मैं कुछ नहीं लिखूंगा, और एक में आपने लिखा ए से प्लस टू, हाँ तो ठीक है ना, इसका डेल्टा एच कितना होगा 1200 किलो जूल्स, ठीक है। तो इसमें आपने क्या किया होगा, पहले ए बनाया होगा, बाद में ए पॉजिटिव बनाया होगा, फिर उसमें ए प्लस टू। इसमें आपने पहले क्या किया होगा, ए पॉजिटिव बनाया होगा, फिर ये बनाया होगा, हो गया। तो अगर ए से ए पॉजिटिव बनाओ तो 1200 डेल्टा एच होता है, मतलब इस वाले पार्ट का डेल्टा एच मुझे गिवन है, मुझे इस वाले पार्ट का चाहिए कितना होगा डेल्टा एच, भाई इसका टोटल वैल्यू मुझे गिवन है, और ये वाले पार्ट मतलब मुझे क्या करना है, ए माइनस को ए में कन्वर्ट करना है, पहले तो क्या करना है, इलेक्ट्रॉन हटाना है, राइट। तो ये वैल्यू होगी अपने लिए एक्स। अब यहां से लेके अपन को क्या गिवन है, ये इसको ए को अगर इसमें कन्वर्ट करना है ए प्लस टू में, तो ये वैल्यू मुझे गिवन है कितना, 1200। और यहां से ये टोटल वैल्यू मुझे गिवन है 1100। तो करते हैं ना, इन दोनों को ऐड करके इसको इक्वेट कर देते हैं, खत्म हो गया क्वेश्चन, आंसर आ गया, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 भी पूछ रहा है अपन से, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग एटम्स हैव, क्वेश्चन नंबर 11 में, हैव मैक्सिमम आयनाइजेशन एनर्जी देन बोरॉन, बोरॉन से ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी चाहिए अपन को, ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा, बोरॉन से ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी चाहिए, बता देंगे अपन 11th वाले में। बोरॉन में क्या था, अपन ने जस्ट शुरू किया था, राइट ना, इसमें हाउ डू वी कंपेयर, क्वेश्चन नंबर 11 में हाउ डू वी कंपेयर आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एलिमेंट फ्रॉम बोथ डिफरेंट ग्रुप्स, पार्ट 3 एंड पार्ट 5, ओके 3 एंड 5, ठीक है, ओके। बोरॉन का आयनाइजेशन एनर्जी, वी नो दैट बोरॉन बहुत छोटा एलिमेंट है, सो इट विल बी 2s2p1। अभी बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, और इधर एल्युमिनियम है, इधर मेरे पास सिलिकॉन है, इधर फास्फोरस है, सल्फर है, क्लोरीन है। आयनाइजेशन एनर्जी मोर देन, मैक्सिमम आयनाइजेशन एनर्जी देन बोरॉन, तो इसका तो ज्यादा ही होगा बोरॉन से, आयनाइजेशन एनर्जी इधर से उधर बढ़ेगा। अब अपन कहेंगे इनको कैसे कंपेयर करें, तो इसका और इसका आयनाइजेशन एनर्जी ऑलमोस्ट एक जैसा होगा, डायगोनल रिलेशनशिप। तो इन दोनों का तो ज्यादा ही होगा, दे आर नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स का आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा एज कंपेयर टू जिसमें मेटालिक कैरेक्टर होगा, इन दोनों में डायगोनल रिलेशनशिप है, सो दे आर properties are almost same. Non-metals का ionization energy ज्यादा होता है. So sulfur and phosphorus must have more ionization energy than boron.
कार्बन में कंपैरिजन अगर करूंगा तो आई विल से दैट कार्बन में 2s2p2 है. तो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन इज मोर देन कार्बन. आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ कार्बन इज मोर देन बोरॉन. बट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हियर इट इज बेरिलियम. बेरिलियम विल बी मोर देन दिस बिकॉज बेरिलियम में s2 है कंप्लीटली. बट बेरिलियम अपन को पूछा है ना, हाँ पूछा है तो बताएंगे. फॉस्फोरस में इट इज शुड बी मोर बिकॉज इसका ज्यादा इसलिए तो था P3 है. ये भी P3 है ना. P3 मतलब हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स. कार्बन का तो हो गई होगा वो तो राइट हैंड साइड पे है उसके. आयनाइजेशन एनर्जी मैंने आपको अच्छे से बताया क्लास में, मैं फिर बता रहा हूं क्योंकि काफी सारे क्वेश्चन पूछे तुमने आयनाइजेशन एनर्जी में. लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s1 2s2 2s2p1 2s2p2 2s2p3 2s2p4 एंड 2s2p5. सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी फ्लोरीन का होगा, वो है नॉन मेटेलिक करेक्ट. उसके बाद ये दोनों नेबर्स हैं, एक हाफ फिल्ड है दूसरा फुली मतलब पार्शियली फिल्ड है. तो अपन क्या करेंगे, हाफ फिल्ड वाले का आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा, नेबर्स में चेंज होगा, चेंज करो फिर ऑक्सीजन आएगा. ये चेंज इसलिए होगा क्योंकि नेबर्स हैं और नेबर्स में जो हाफ फिल्ड होगा उसका ज्यादा होगा पार्शियली फिल्ड वाले से. इन दोनों में ऑब्वियसली बात इसी का ज्यादा होगा, फिर कार्बन का होगा. कार्बन का ज्यादा होगा बोरॉन से, लेकिन अब ये दोनों फिर नेबर्स हैं. कार्बन बोरॉन नेबर है लेकिन कोई फुली फिल्ड और पार्शियली फिल्ड थोड़ी है, या हाफ फिल्ड और पार्शियली फिल्ड थोड़ी है. ये दोनों नेबर्स हैं तो हमें क्या फर्क पड़ता है, कोई हाफ फिल्ड और पार्शियली फिल्ड या फुली फिल्ड या पार्शियली फिल्ड थोड़ी है. तो अगर फुली फिल्ड पार्शियली फिल्ड नहीं है तो जिसका नॉन मेटेलिक करेक्टर का ज्यादा उसका ज्यादा, लेकिन ये दोनों नेबर्स हैं और एक फुली फिल्ड है दूसरा पार्शियली फिल्ड है तो फुली फिल्ड वाले का ज्यादा होगा. ठीक है ना, मेरे ख्याल से कंपैरिजन आपको काफी कुछ समझ में आ गया होगा कैसे करना है अपन को. ऐसे ही इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के लिए अपन कहेंगे भाई देखो, अगर अपन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करेंगे तो ठीक है, विल रीड दैट. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में अगर तुम्हें याद होगा तो मैंने आपसे कहा था कि जब अपन डिफरेंस लिख रहे थे ना इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, तो मैंने आपसे डिफरेंस में ही बता दिया था इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का जनरल ट्रेंड है. लेकिन इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का जनरल ट्रेंड नहीं होता. इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में काफी सारे एक्सेप्शन है. कैसे, अपन ने क्या किया था इधर ना, ये नॉन मेटल्स है, इसका ज्यादा होगा इससे, इसका ज्यादा होगा इससे, इसका ज्यादा होगा इससे, इसका ज्यादा होगा इससे. द रीजन इज इलेक्ट्रॉन अफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, और अगर छोटे साइज पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हुआ तो इलेक्ट्रॉन ऐड करना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि इससे रिपल्शन होगा. इसलिए पीरियड 2 और पीरियड 3 में देयर इज नो पीरियडिसिटी. इसका इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज्यादा है, इसका ऐसा ज्यादा है इससे, इसका ज्यादा है इससे, इसका ज्यादा है इससे, और अपन ने ऐसे भी लिखा था. इन सब में अगर अपन से कोई पूछेगा बताओ कौन इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, तो अपन कहेंगे पहले तो इन दोनों को छोड़ दो, उसके बाद ऑर्डर डिसाइड करना. ओके, आपने बताया ना
noble gases, alkaline earth metal, and nitrogen. Delta H positive. E electron negative. So there is no general trend. फिर कोई जनरल ट्रेंड नहीं, तो फिर क्या करें? एक्सेप्शन बताओ भाई, क्या क्या पूछ सकते हैं बंदे? तो क्लास में बताया ना मैंने, क्लोरीन का फ्लोरीन से ज्यादा होगा, सल्फर का ज्यादा होगा ऑक्सीजन से, फास्फोरस का ज्यादा होगा नाइट्रोजन से, और सिलिकॉन का ज्यादा होगा कार्बन से. उसके बाद अपन ने लिखा हुआ है कि इस ग्रुप में, ये 16th ग्रुप में ऑक्सीजन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेकिन सबसे कम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी उसी की है. इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यूज के साथ लिखा था. सेकेंड इलेक्ट्रॉन एडिशन किसी में भी होगा, चाहे कोई भी एलिमेंट हो, डेल्टा एच पॉजिटिव ही होगा. सेकेंड इलेक्ट्रॉन एडिशन के लिए डेल्टा एच हमेशा पॉजिटिव होता है. ठीक है, सो देयर आर मेनी एक्सेप्शंस. ये इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वाला पार्ट. अब मोस्ट ऑफ द टाइम अपन से क्वेश्चन जो पूछेंगे ना, वो इसी पार्ट से पूछते हैं, और इस पार्ट से. इस पार्ट को तो हमेशा याद होना चाहिए. और अगर तुम्हें याद होगा ना, जब मैंने सबसे पहले पीरियोडिक टेबल बनाया था ना, उसमें सारे पार्ट वही बताए आपको, सर्किल भी लगाए थे कि इन पार्ट को कभी नहीं भूलना. हो पहला वाला पीरियोडिक टेबल देखना, उसमें वो एलिमेंट सारे लिखे मैंने जिसमें आप गलती करोगे. अब बताओ, और कोई डाउट है तो? तो ये तो पार्ट टू के डाउट थे. पार्ट थ्री के डाउट है कोई? डाउट ऑफ पार्ट थ्री, एक्सरसाइज टू का पार्ट थ्री. एक्सरसाइज टू का पार्ट थ्री अगर कोई है तो बताओ. पार्ट थ्री का क्वेश्चन नंबर वन, वन एंड थ्री. क्वेश्चन नंबर वन में अपन क्या कहते हैं, द ग्रुप इन द मॉडर्न पीरियडिक टेबल इन विच ऑल द एलिमेंट्स डू नॉट हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो इन द मॉडर्न पीरियडिक टेबल इन विच ऑल द एलिमेंट्स डू नॉट हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल इज. सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल ना, तो उसने सिक्स ग्रुप को इसलिए बना किया क्योंकि गैडोलिनियम ऐसा चेंज हो जाएगा. तो इसमें अपन को गिवन है द ग्रुप इन द मॉडर्न पीरियडिक टेबल. 13th ग्रुप में तो सभी में ही होते हैं सेम. 11th ग्रुप का मतलब है इट इज टॉकिंग अबाउट दैट इज 12th 13th कॉपर वाला ग्रुप. और 9th ग्रुप एंड 18th ग्रुप, 18th ग्रुप तो नहीं होगा आंसर. 9th ग्रुप मींस इट कैन बी 9th ग्रुप बिकॉज प्लेटिनम और पैलेडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है ना, उस टाइप से पूछ रहा होगा ये, क्योंकि उसमें हो सकता है 11th और 9th ग्रुप में, क्योंकि प्लेटिनम और इनका एक्सेप्शन है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. तो मेरे ख्याल से उसने 9th और 11th, क्योंकि वो डी ब्लॉक एलिमेंट है ना, उनके ऑक्सीडेशन स्टेट जो होते हैं वो अलग अलग टाइप होते हैं. ऑक्सीडेशन स्टेट जो होते हैं वो डिपेंड करता है कितने कंपाउंड बनाता है उस ऑक्सीडेशन स्टेट में. इसलिए मुझे लगता है आंसर बी और सी दोनों ही हो सकते हैं. सर डी और ए, हीलियम में दो ही रहते हैं. अब हीलियम भी हो जाएगा. अच्छा हाँ, 18th ग्रुप में हीलियम भी तो है, पर तो सारे मतलब पी सिक्स वाले, पी ब्लॉक के हिसाब से सोच रहा था मैं.
तो हीलियम भी हो गया, उसमें तो दो ही होते हैं बस। तो मुझे लगता है 13 छोड़ के बाकी सारे ही हो जाएंगे। सर 11 नहीं होगा, 11th वाला एक बार देख लेते हैं, मतलब तो मैं एक बार चेक ही कर लेता हूँ ना, ऐसे कर लेते हैं अपने 13, 14 स्कैंडियम टाइटेनियम वैनेडियम क्रोमियम लिख ही लेता हूँ ना, तो उससे ज्यादा अच्छा होगा। Fe CONi कॉपर और जिंक, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास 13, ये 3 हो गया, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13th वाला हो गया गैलियम वाला, ये हो गया। तो एक तो 13th वाला हो गया, इन सब में तो सेम ही होता है 6s2, दैट इज NH2P, थोड़ी देर पहले लिखा था मैंने वो इनर परफेक्ट के लिए। 11th वाला ग्रुप जो होगा वो कॉपर हो जाएगा, तो कॉपर में तो सेम आ जाएगा बिकॉज D10 और 3s1 है, सबका प्लस वन आ जाएगा, प्लस वन आ जाएगा सभी के लिए। फिर कौन सा था, 13th वाला हो गया, 11th वाला अपन ने चेक कर लिया, 9th वाले में कोबाल्ट, हाँ तो कोबाल्ट वाला जो होगा इसमें ऐसा जाएगा, क्योंकि इसमें कोबाल्ट के साथ और क्या होता है, कोबाल्ट के साथ एलिमेंट और कौन कौन से होते हैं, रेनियम एंड इरिडियम होता है, तो रेनियम का तो प्लस वन भी ऑक्सीडेशन होता है और इरिडियम का भी प्लस थ्री और प्लस वन दोनों होते हैं और प्लस टू भी होता है, जबकि कोबाल्ट में क्या होता है, कोबाल्ट में इट इज प्लस टू प्लस थ्री और प्लस फोर भी शो करता है, थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था, अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब अलग अलग टाइप से वो स्टेबिलिटी दिखाते होंगे। तो अपन क्या करेंगे, द एलिमेंट विच डू नॉट हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल इज, दैट इज, तो मुझे लगता है 9th वाला हो जाएगा, ये तो आ ही रहे हैं, ये भी आ रहे हैं, और 18th वाला हो जाएगा CNT, दैट शुड बी द, थर्ड वाले में विच ऑफ द फॉलोइंग इज जेड इफेक्टिव ग्रेटर देन जिंक, मुझे लगता है सॉरी इन सब पे तो पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज होगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ ही जाएगा सभी का होगा, इलेक्ट्रॉन कम हो गए ना, तो कम इलेक्ट्रॉन को ज्यादा प्रोटॉन अट्रैक्ट कर रहे हैं तो इफेक्टिव नंबर ऑफ प्रोटॉन तो बढ़ जाएंगे। एक अगर कॉपर प्लस वन भी लिखोगे ना तो भी उसमें भी 29 प्रोटॉन 28 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ ही गया ना। कैटाइन का तो हमेशा ही ज्यादा होगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, सिक्स एट एंड टेन, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज नॉन जीरो मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट, नॉन जीरो के अलावा सल्फर ओके, ऑक्सीजन नॉन जीरो, जीरो के अलावा ऑक्सीजन भी ओके, हाइड्रोजन भी ओके, जिंक प्लस टू होगा बस। नॉन जीरो मतलब एलिमेंटल फॉर्म की बात कर रहा है कि अब ऐसे नहीं बताना कि भाई सल्फर एलिमेंटल फॉर्म में जीरो है, नहीं अपन तो ऐसे बता रहे हैं सल्फर H2S माइनस टू, H2SO3 प्लस फोर, H2SO4 प्लस सिक्स, ये लो भाई बहुत सारे हैं। दूसरा ऑक्सीजन O2F2 प्लस वन, O2OF2 प्लस टू, उसके बाद जिंक, जिंक तो सिर्फ प्लस टू शो कर सकता है, उसके दो वैलेंट इलेक्ट्रॉन है, प्लस टू के अलावा कुछ नहीं होता उसका। हाइड्रोजन इट कैन बी माइनस वन अगर मेटल हाइड्राइड है और प्लस वन अगर नॉन मेटल के साथ है, दोनों ही हो सकते हैं। राइट, कैटाइन कोई भी होगा न्यूट्रल एलिमेंट के कंपैरिजन में उसका जेड इफेक्टिव ज्यादा ही होगा। अब बताओ बट क्वेश्चन बनाने वाला ये तो सोचेगा कि कम से कम अगर डी ब्लॉक पूछा है तो सारे डी ब्लॉक हो,
क्वेश्चन नंबर 8 में गिवन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैव देयर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्टेबल देन द हायर वन. पता तो है आपको इनर्ट पिरामिड लेड बीसीडी. लेड होगा, टीएल होगा और बिस्मथ होगा. क्वेश्चन नंबर 10 व्हिच आर द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस. हाँ तो ठीक है ना, अपन ने लिखा था ना ऐसे वो स्कैंडियम टाइटेनियम वैनेडियम फिर आयरन से लेके निकल फिर कॉपर एंड जिंक ऐसे लिखा था ना अपन. स्कैंडियम टाइटेनियम वैनेडियम क्रोमियम मैंगनीज FeCONL दे आर नियरली सेम ऐसे लिखा था. Mn greater than Fe greater than CO. हाँ वो चलेगा थोड़ा बहुत, ये तो बड़ा ही होगा इससे, ये थोड़ा सा वैसे हो जाएगा, ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएंगे. Mn Fe CO they will be almost equal. मेरे ख्याल से ये वाला ज्यादा इजी है क्योंकि अपने पास ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन आ रहा है यहाँ से. Fe और CO तो ऑलमोस्ट सेम हो जाते हैं. स्कैंडियम टाइटेनियम वैनेडियम वो तो बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं. निकल का साइज बड़ा होगा कॉपर से, कॉपर का साइज बड़ा होगा जिंक से. हाँ ठीक है, मतलब आंसर इज वी कैन से दैट BCD. अब पूछा सर क्वेश्चन नंबर 3 एनी कैटाइन लाइक इवन लाइक लिथियम विल हैव मोर जेड इफेक्टिव. अरे भैया क्वेश्चन नंबर 3 में क्या था. विच ऑफ द फॉलोइंग हैव ग्रेटर जेड इफेक्टिव देन जिंक. नहीं भाई ऐसे नहीं होगा, वो डी ब्लॉक एलिमेंट है सारे के सारे. मतलब ऐसे नहीं करेंगे अपन कि अच्छा लिथियम है भाई इसमें तो तीन प्रोटॉन थे अब दो इलेक्ट्रॉन है बताओ जेड इफेक्टिव. ऑब्वियस सी बात है उधर एक जगह आप 30 प्रोटॉन की बात कर रहे हो और 28 इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हो और एक जगह आप ये बात कर रहे हो तो जेड इफेक्टिव एस ब्लॉक में कंपेयर करो. मतलब ऑलमोस्ट ग्रुप तो सेम होना चाहिए, वो पीरियड तो सेम होना चाहिए ना, है ना. तो नियरली अपन ऐसे नहीं करेंगे किसी भी कैटायन को कर देंगे, किसी भी कैटायन को कैसे कर सकते हैं अपन. ठीक है वो थोड़ा तो फ्रेम करने वाला क्वेश्चन, फ्रेम करने वाला पीरियड तो चेक करेगा ही ना, कम से कम एक पीरियड तो. कॉम्प्रिहेंशन में कोई डाउट है, कॉम्प्रिहेंशन में कोई डाउट है पार्ट फोर में. एक्सरसाइज 3 किया संडे को टेस्ट है और अगर अपन ने पीरियडिक टेबल पूरा नहीं किया डिस्कस तो ऑब्वियस ही बात है ये तो गलत बात है. कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है Which of the element whose atomic number are given below cannot be accommodated in the present set of long form of periodic table. Long form of periodic table. Cannot be, which of the following elements whose atomic number are given below cannot be accommodated in the present set of long form of पीरियडिक टेबल. ऊपर कॉम्प्रिहेंशन में कुछ गिवन होगा अपन को. हाँ तो जिसमें अपन क्या करेंगे ना उसमें ये चेक करेंगे कि लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल में उसको नहीं रखेंगे जो एफ ब्लॉक एलिमेंट होगा क्योंकि उसको सेपरेट देना पड़ेगा. तो अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक करेंगे सभी का जितना भी लिखा हुआ है उन सब में से जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ ऑर्बिटल में आएगा उसको मना कर देंगे. वेट इज सो बिकॉज वो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल में नहीं होगा, वो सेपरेटली डिजाइन होगा उसमें एफ ब्लॉक एलिमेंट में रखेंगे. ऊपर लिखा हुआ है कि भाई लैंथेनाइड और एक्टिनाइड को अलग रखते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 को वैसे सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन नंबर 4 को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट विच इज जस्ट अबव द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 43 इन द सेम ग्रुप इज. अब 43 का मतलब हो गया कि भाई इससे 18 माइनस कर दो
43 का मतलब है इससे 18 माइनस कर दो, राइट right? इसका 18 माइनस कर दो, तो 43 से 18 माइनस करेंगे कितना आएगा अपने पास, तो 13 ये 5 हो गया और इधर से तो 25 हो गया, एमएन की बात कर रहा है, ये 13 ग्रुप है, ये 14 ग्रुप है, ये 15, ये 16, 17 ग्रुप की बात कर रहा है, नहीं देखो 3 है ना, 4 5 6 7th ग्रुप की बात कर रहा है, हैवी मेटल्स, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देंगे इसका, अपन को लिखना आता है 4s2 3d5, ए वाला ही था, 10th और 11th इसी का, 10th और 11th, ठीक है, कंसीडरिंग द फॉलोइंग बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन फ्लोरीन एंड सिलिकॉन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ नॉन मेटालिक कैरेक्टर इज, सबसे ज्यादा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर फ्लोरीन होगा, फिर नाइट्रोजन होगा, फ्लोरीन नाइट्रोजन कार्बन बोरॉन सिलिकॉन, सिलिकॉन इज मेटलॉइड बट बोरॉन इज कंसिडर्ड एज नॉन मेटल, 11th वाला स्टेटमेंट ना, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है अपन को, आयनाइजेशन एंथैल्पीज ऑफ एलिमेंट डिक्रीजेस अलोंग द पीरियड, नहीं भाई इंक्रीजेस अलोंग द पीरियड, ये तो गलत हो गया, सेकंड बी वाला स्टेटमेंट, इन द थर्ड पीरियड मॉडर्न पीरियडिक टेबल द टू मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट आर सोडियम एंड फ्लोरीन, थर्ड पीरियड में नहीं, फ्लोरीन तो सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड का होता है, नहीं वो तो सेकंड पीरियड का होता है, तो गलत ही हो गया, फ्लोरीन हैज द लीस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, नो इट इज क्लोरीन व्हिच हैज लीस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ लेड इज ग्रेटर देन दैट ऑफ टिन, यस इट इज बिकॉज ऑफ इनफेयर इफेक्ट, डी इज करेक्ट, कॉम्प्रिहेंशन नंबर 4, कॉम्प्रिहेंशन नंबर 4 में विल राइट दैट, ये तो मैच द फॉलोइंग जैसे है, कॉम्प्रिहेंशन नंबर सभी के पास गिवन है, कॉम्प्रिहेंशन 4, ग्रेफाइट इट इज अ तो अपन ऐसे करेंगे, जितना अपन को पहले मालूम होगा ना, अपन पहले उनको ही कर लेंगे ऐसे, जैसे ग्रेफाइट है अपन को पता है इट इज अ पी ब्लॉक एलिमेंट नॉट अ डी ब्लॉक एलिमेंट, ग्रुप 16 में होता है ग्रेफाइट, नहीं नहीं इट इज कार्बन, कार्बन मतलब ग्रुप 14 की बात करनी है, सो इट्स रॉन्ग, बट इट इज यूज्ड एज ल्यूब्रिकेंट, इसका मतलब है कि वन जो है उसके काफी सारे एलोट्रोप्स होते हैं, ग्रेफाइट इज एलोट्रोप, सो वन जो है वो थ्री के साथ कंबाइन होगा ऐसे, वन थ्री एंड इट इज ल्यूब्रिकेंट आर, ऐसे होना चाहिए, दूसरा अपने पास जो होना चाहिए वो होना चाहिए ट्रांजिशन एलिमेंट्स, मतलब आपको टू को किसके साथ कंबाइन करना चाहिए, ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स, सो वन, और डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, इसको ऐसे लिखना चाहिए, अमलगम मरकरी होता है, अमलगम इज मरकरी, तो मैं थ्री को इट्स मरकरी सो फोर के साथ, और वो लिक्विड होता है इसलिए मैं पी के साथ इसको ऐसे करता हूं, फोर्थ वाले की बात करता हूं, पोलोनियम इज रेडियो एक्टिव, लेकिन चलो देखते हैं क्या बोल रहे हैं वो फंसे, पोलोनियम इज ग्रुप 16 एलिमेंट, यस ऑक्सीजन वाले में होता है, तो फोर को मैं बैलेंस करूंगा ऑक्सीजन वाले ग्रुप से, दैट इज 16 सेकंड से, और लास्ट वाला जो पार्ट है पोलोनियम जो होगा इट्स लिक्विड, नो इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ दिस, ये मैंने चारों आंसर लिख दिया आपके करेक्टली मैच करते हैं, अब इससे अपना आंसर बना लेना, मैंने आपको क्लास में बताया ग्रेफाइट जो होता है वो कार्बन ग्रेफाइट होगा, मतलब थोड़ा कॉम्प्रिहेंशन इसी टाइप से सॉल्व करेंगे, आप पहले चेक कर लो भाई कौन सा किसके साथ मतलब बेस्ट कंबाइन हो रहा है, अगर नहीं होता है तो चेक करेंगे, ये बड़ा इजी था इसलिए मतलब ऐसे हो गया, मुझे लगा कि कुछ कहीं तो मुझे चेक करना पड़ेगा कि कुछ थोड़ा तो कंफ्यूजन होगा, लेकिन यहाँ कोई कंफ्यूजन के चांसेस ही नहीं है, कुछ अच्छा होता तो अपन सॉल्व करते हैं और अच्छा सॉल्व कर लेंगे, XI3 का क्वेश्चन नंबर 5 पूछा है अपन से, पार्ट 1 का आयनिक रेडियाई पूछा है अपन से, भाई देखो अपन को एक बात पता है कैटायन का मतलब न्यूट्रल एटम का जो रेडियस है ना वो बड़ा होता है कैटायन से, और ये
एनाइन से छोटा होता है। अब ऑब्वियसली बात है, आप कितना कुछ भी कर लो लेकिन टी आई प्लस फोर तो बड़ा ही होगा एम एन प्लस सेवन से, आप कुछ भी कर लो, ये ए है। अगर मोर देन वन मैचिंग होगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा ना, था नहीं इसलिए ये बड़ा इजी था, अगर होगा तो मैं बताऊंगा आपको। फिर कभी कभी ऐसे होता है ना, जैसे आर इसमें भी मैच हो रहा है इसमें भी मैच हो रहा है, तो फिर इन दोनों के बेसिस पे चेक करो, तो वो अच्छा क्वेश्चन होगा तो तुम देखें। बी वाले में गिवन है सीएल 37 इज ग्रेटर देन सीएल 35, आइसोटोप्स आर ऑलवेज स्मॉलर, 37 विल बी स्मॉलर, सीएल 37 इज स्मॉलर देन सीएल 35, isotopes are always smaller than the normal atom. K positive, obviously बात है, it should be less than Cl negative. P plus 3 and P plus 5. So D में अपन को given है P plus 3 will be, obviously बात है, ज्यादा oxidation state होगा तो छोटा होगा। चलो देखते हैं, ये correct लिखे मैंने, आप इसमें से check करो ना कौन सा गलत है। पहले वाले में Mn plus 7 is greater than this. No, it's wrong. 37 is greater than... No, it's wrong. K positive is less than... वो करेक्ट था. K positive is greater than this. वो भी गलत था. क्या बताने अपन को? आयनिक रेडियाई. Off. Cl 37, K positive, P3. D is correct. बाकी सब करेक्ट. सिक्स वाले में करेक्ट आयनिक रेडियस गिवन है आपको, तो आप बता सकते हो ना क्या प्रॉब्लम है? ज्यादा चार्ज, जैसे आयनिक करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियस, बोरॉन, बेरिलियम एंड नाइट्रोजन, गलत है क्योंकि बेरिलियम बड़ा होगा बोरॉन से, ऐसे होता है बीईबी और नाइट्रोजन ना, ऑब्वियसली बात है ये कार्बन होगा फिर नाइट्रोजन होगा तो ये बड़ा होगा, तो गलत है जो ए गिवन है। और सेकंड वाला करेक्ट है बिकॉज नाइट जिस पे ज्यादा चार्ज होगा तो वो ज्यादा ही बड़ा होगा ना, ये तो गलत था, वो पहला वाला गलत था, ए इज रॉन्ग क्योंकि वो अपन को ए ऐसे गिवन था, दैट इज नाइट्रोजन लेस देन बेरिलियम लेस देन बोरॉन, बोरॉन बड़ा होगा बेरिलियम से, बेरिलियम बड़ा होगा नाइट्रोजन से, दोनों बेरिलियम बड़ा होगा नाइट्रोजन से लेकिन बेरिलियम बोरॉन से भी बड़ा होगा, इसलिए गलत था। और बी वाले में ये सही है, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना बड़ा साइज भी होगा। सो पोटेशियम लिथियम नो इट्स रॉन्ग, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना छोटा होगा, कैटायनिक चार्ज अगर ज्यादा होगा तो छोटा भी होगा, सी वाला भी गलत है और डी वाला भी गलत है, बिकॉज Fe प्लस फोर होगा तो छोटा होगा, Fe प्लस थ्री से छोटा होगा, Fe प्लस थ्री से ज्यादा चार्ज ज्यादा छोटा एलिमेंट होगा। आप ये याद रखो अभी कि जो जैसे हाइड्रोजन होता है इसका बड़ा साइज होगा ड्यूट्रियम से, इसका बड़ा साइज होगा ट्रिटियम से, मतलब आइसोटोप्स आर ऑलवेज स्मॉलर देन द न्यूट्रल एटम। अभी अपन उतने रेडी नहीं है कि अपन इतना अच्छा कंसेप्ट समझ पाए, थोड़ा रुक जाते हैं, ठीक है? तो इसलिए मैंने सिर्फ आंसर बता दिया आपको, क्योंकि मतलब ये ट्वेल्थ में तो इसके बगैर तो अपन पढ़ ही नहीं सकते ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा, ऑर्गेनिक अपन इससे बहुत सारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे अपन। मुझे क्वेश्चन नंबर बताना है, टू भी पूछा है किसी ने, चलो भाई ठीक है, पूछा है ग्रेटर आयनिक रेट, अरेंज द आयंस इन देयर इंक्रीजिंग साइज, उसमें क्या है भाई, के पॉजिटिव बड़ा होगा, मैग्नीशियम इस पे दो चार्ज है इसलिए छोटा होगा, इस पे तीन चार्ज है और भी छोटा होगा, लिथियम तो सबसे छोटा ही होगा, शेल ही कम है उसमें, टू वाला होगा। नाइन्थ वाला भी पूछा है किसी ने, चलो भाई नाइन्थ वाला देख लेते हैं। लीस्ट स्टेबल अमंग द फॉलोइंग, ठीक है भाई तो बड़ा अच्छा भी मैंने पढ़ा कि इनमें से लीस्ट स्टेबल कौन सा होगा, ठीक है, मुझे गिवन है लिथियम नेगेटिव, बेरिलियम नेगेटिव,
बोरॉन नेगेटिव एंड कार्बन नेगेटिव। अपन को एक बात पता है, लिथियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन, ये होता है 2s1 2s2 2s3 2s2p1 एंड 2s2 बोलो Li2 प्लस बड़ा होगा Mg प्लस 2 से और Li प्लस 1 से। हाँ यार, किस पे? इन पे जल्दी करते हैं, रुको एक मिनट देख लेते हैं, क्योंकि मुझे भी लग रहा है इन दोनों का साइज एक जैसा ही होना चाहिए। मुझे भी ये तो डाउट आया, क्योंकि ये डायगोनल रिलेशनशिप है ना इन दोनों में, तो और डायगोनल रिलेशनशिप का रीजन ही चार उनका साइज होगा। तो मुझे लगता है कि अगर डायगोनल रिलेशनशिप है तो दे आर नियरली ऑफ सेम साइज, और इसमें प्लस टू है तो बी साइज। एल्युमिनियम तो छोटा होना ही चाहिए। कहां गया, कहां गया? Arrange the following in the increasing order of their size: potassium, lithium. Lithium का size और aluminium का size plus one से। मेरे ख्याल से क्या होना चाहिए, क्योंकि diagonal relationship में size तो almost एक जैसा हो जाएगा magnesium और उसका। क्या होना चाहिए? क्योंकि ये तो पक्का है कि इन दोनों का साइज नियरली सेम होगा, तो इसको तो लिखना ही चाहिए था, पर तो सेल से नहीं करना चाहिए। मतलब लिथियम को इधर तक तो आना चाहिए, लेकिन इसमें प्लस टू साइज है तो अपन ने ऐसे पढ़ा हुआ है कि लिथियम इज नियरली सेम एज मैग्नीशियम, तो एक इलेक्ट्रॉन निकालूंगा इससे, तो एक इलेक्ट्रॉन इससे भी निकाल देता हूं तो भी नियरली सेम हो गए। इससे एक और निकाल दूंगा, इससे भी छोटा हो जाएगा, होना चाहिए, वो गड़बड़ है। लिथियम होना चाहिए, फिर मैग्नीशियम होना चाहिए, फिर अपन को एल्युमिनियम। ये डायगोनल रिलेशनशिप भूल गया, इसमें ना इन दोनों का साइज ऑलमोस्ट सेम होता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो भाई ये भी सेम होने चाहिए फिर, क्योंकि दोनों से एक एक इलेक्ट्रॉन निकाला, लेकिन अब आपने इससे एक और इलेक्ट्रॉन निकाला तो फिर इससे छोटा हो जाएगा। मतलब लिथियम प्लस वन इज लार्जर देन मैग्नीशियम प्लस टू, होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट। अब मेरे पास वो क्वेश्चन नंबर टू में बिल्कुल सही है, तुमको डायगोनल रिलेशनशिप याद रखना था, वो गड़बड़ हो गया उससे। ठीक है, अब ये चेक कर लेते हैं अपन, इनमें किसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना मुश्किल है? किसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना मुश्किल है? इन सब में इलेक्ट्रॉन ऐड करना किसमें मुश्किल होगा? तो अपन कहेंगे भाई इसके लिए तो आपने ये बेरिलियम है, बेरिलियम ये 2s2 है, ये बेरिलियम में तो आपने डेल्टा एच पॉजिटिव ही बता रखा है, बाकी सबके लिए तो डेल्टा एच नेगेटिव बता रखे हैं, है ना भाई? डेल्टा एच इसके लिए भी पॉजिटिव बताया और इसके लिए भी पॉजिटिव बताया। अच्छा, ये कार्बन है, ये बोरॉन था, ये कार्बन था, ये ऐसे है, तो इन सबके लिए तो डेल्टा एच आपने नेगेटिव ही बता रखा है, बाकी एक ही तो एलिमेंट दिया जिसके लिए पॉजिटिव है, बेरिलियम ही तो है जिसके लिए आपने आपने कहा तो है नोबल गैसेस, अल्कलाइन अर्थ मेटल और नाइट्रोजन, उसके अलावा बाकी सब डेल्टा एच नेगेटिव, तो इनके लिए तो डेल्टा एच पॉजिटिव, मतलब ये इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा। अगर इसको इलेक्ट्रॉन दोगे तो एंडोथर्मिक फिनोमेना, मतलब इसमें जो एनायन बनेगा वो लीस्ट स्टेबल होगा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करने का मतलब है एक अलग से सबशेल को जनरेट करना। इन सब में तो P1 है, P2 हो जाएगा, P1 तो P तो पहले से ही है उसमें, ये P3 हो जाएगा, P तो पहले से ही है उसमें। इसमें अपन को क्या करना पड़ेगा, S2 हो जाएगा, फुली फिल्ड हो जाएगा,
लेकिन इसमें तो आपको एक अलग से सबशेल जनरेट करना पड़ेगा, इसलिए और पहले से अपन को पता है कि डेल्टा एच पॉजिटिव होता है, और रीजन वही है, एक्स्ट्रा सबशेल जनरेट करना पड़ेगा। तो अपन क्या करेंगे इसके लिए, तो ये लीस्ट टेबल हो गया। लीस्ट टेबल क्यों? क्योंकि इसको बनाना मुश्किल है, ये तो एंडोथर्मिक फिनोमेना है, और तो कौन सा कंपाउंड नहीं बनेगा, क्यों स्टेबल होता है, जो स्टेबल होगा वो तो बन ही जाएगा। तो अपन डायरेक्टली बता सकते हैं मेरे ख्याल से, मुझे कोई डाउट नहीं उसमें कि ये उसका आंसर होगा। अब बताओ दैट इज, सो दैट इज फॉर टुडे, आज इतना ही करते हैं, 1 से 3 का पार्ट 1 हो गया, बाकी आप एक बार और सॉल्व कर लेना, कॉम्प्रिहेंशन वगैरह भी सॉल्व कर लेना, और संडे के टेस्ट के लिए आप रेडी रहो। और कुछ पूछना है तो बताओ, अदरवाइज विल स्टॉप द क्लास। ठीक है, सो दैट इज ऑल फॉर टुडे, अगर आपका कोई डाउट नहीं है तो। ठीक है, सो दैट इज ऑल, कोई डाउट होगा तो फिर अपने ग्रुप में पूछ लेना। चलो भाई, थैंक यू, बाय सर, बाय, थैंक यू सर, थैंक यू संदीप।